जिंदाबाद, वारपट्टी एकता जिंदाबाद। Today is Dr. Babri Masjid Ambedkar's anniversary, so naturally people all over the country remember him. And the relevance of this is because today the danger to this country, the danger to this country's constitution, the danger to this country's institutions doesn't come from any other force except mainly the central government itself. The RSS, the ruling party and the central government. So today if we are to save India, we all have to resolve to ensure that the ideals of Dr. Babri Masjid Ambedkar's constitution are upheld. India can be saved when the BJP government is removed from the center. Mandir Masjid ke upar jo inhone ek afwa banaya hua hai usko acche se insaaf karke और अपना बनाया जाए, बस हमारी ये मांग है। दलितों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, और जिनको बेगुनाह उन्होंने पकड़ा हुआ है, बेगुनाह उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो लोग ये उग्रवादी फैलाते हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए। हमारी ये मांग है। हम लोग तो ये मैसेज लेकर के आए हैं कि बाबरी मस्जिद को जिस तरह से 26 साल हो गया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा। तो हम लोग के हिंदुस्तानी हैं और हम लोगों को संविधान पर यकीन है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या संविधान जो इंसाफ करेगा, हम लोग मानेंगे। वही मंदिर का आग लापते हुए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जनता जब पूछ रही है 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि भाई 4 लाख किसानों में क्यों आत्महत्या की, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि इस देश के अंदर ये जो किसानों के ऊपर इतना कर्ज है, वो कर्ज कब माफ होगा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। We are finding that they are dismantling all institutions. They are not willing to listen to the Supreme Court. They want to destroy the Constitution and create an atmosphere of fear and hatred. They thrive on politics of hatred, killing of Muslims, attacking Dalits, targeting Christians. इस तरह का संघ परिवार का रवैया पूरे मुल्क में है। विशेषकर यूपी में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी परिस्थिति में आज का जो प्रदर्शन है कि संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसको बिल्कुल ही उसका मानने से इनकार करते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकार अपना रोल अदा भी नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार उनकी है। तो इसलिए आज और से ज़्यादा और महत्व बन जाता है कि हम जो है देश का संविधान बचाने की और धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, बढ़े, इसके लिए पूरी ताकत के साथ पूरे देश में आज ये माहौल बनाया जा रहा है। पूरे लेफ्ट पार्टियों की ओर से पूरा जोर लग रहा है कि हम इन दोनों सवालों पर नीचे तक जाएंगे और इसी बात को लेकर आज का ये कार्यक्रम है, इसलिए महत्व है इसका। पसीना बेच कर जो पेट तक न भर सके करे तो क्या करे भला न जी सके न मर सके।